सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल? वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड स्वागत है आज की ब्रांड न्यू लिस्ट में, जिसमें है 15 सभी बढ़िया वेब सीरीज एंड मूवीज जो इस हफ्ते में फ्राइडे तक रिलीज हो रही हैं। और ये इस फ्राइडे वाली लिस्ट के पार्ट वन वाली वीडियो है, तो इस लिस्ट के पार्ट टू को देखने के लिए जल्दी से लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, तभी आपको मेरी हर नई लिस्ट वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और एंटरटेनमेंट की दुनिया आपकी मुट्ठी में ऐसे ही आती रहेगी, बस उस मुट्ठी में आपका स्मार्टफोन होना जरूरी है। जिसमें सबसे पहले नंबर 15 पे है 30 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हुई धांसू सुपर हीरो वेब सीरीज मून नाइट के सीजन 1 का एपिसोड 2, जो आज मतलब के 6 अप्रैल को हिंदी और इंग्लिश में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होने वाला है। और इस सीरीज के टोटल 6 एपिसोड्स होने वाले हैं। और जैसे इसका पहला एपिसोड काफी फाड़ू टाइप का रहा है, और उस एपिसोड के एंड में ही मून नाइट सुपर हीरो की फर्स्ट लुक को भी रिवील किया गया है। और अभी इसके एपिसोड 2 से कहानी आगे बढ़ेगी और मून नाइट आया कहां से ये दिखाया जाएगा। और वो डरा हुआ बंदा अपने अंदर वाले सुपर हीरो से मिलने के बाद अपनी छुपी हुई पावर्स के बारे में जानेगा, और आगे उसकी मल्टी पर्सनैलिटी के बारे में भी और डिटेल में दिखाया जाएगा। नंबर 14 पे है जैम प्लस की 18 प्लस स्पेशल ठरकियों के लिए बनी हिंदी वेब सीरीज प्लस टेल्स, जो 5 अप्रैल को जेम्प्लेक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज की गई है। और कहानी एक लव स्टोरी से शुरू होते हुए उनका ब्रेकअप होने के बाद फिर थोड़ी गर्मियों के मौसम की ओर बढ़ती हुई दिखेगी, जो वैसे इतनी खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे कुछ ठरकी भाइयों के लिए इस लिस्ट में ऐड कर लिया जो ऐसी सीरीज के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो ज्यादा डिटेल में ना बात करते हुए आगे बढ़ते हैं लिस्ट की ओर। नंबर 13 पे है नेटफ्लिक्स की हिंदी डब ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज जिमी सेवल द ब्रिटिश हॉरर स्टोरी, जो 6 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली है। और ये सीरीज मिस करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें एक ब्रिटिश सेलिब्रिटी टीवी एंकर की जिंदगी की खौफनाक कहानी दिखाई जाएगी, जिसकी 2011 में मौत होने के बाद उसके क्राइम से भरे कारनामों के कच्चे चिट्ठे दुनिया के सामने आए, जिसने बहुत लंबे समय से अपने सेलिब्रिटी होने का फायदा उठाते हुए बड़े बच्चों से लेके 5 साल तक के बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाया। लेकिन इसकी असली सच्चाई उसकी मौत होने के बाद ही सामने आई। अब कैसे उसने अपने जिंदा रहते हुए ये सच सामने नहीं आने दिया, असली वीडियो फुटेज एंड डॉक्यूमेंट्स के साथ इस सीरीज में दिखाया जाएगा। नंबर 12 पे है एक पॉलिश क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी फ्रियोजा, जो 6 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, जिसमें कहानी एक रेडी ऑफिसर की है जिसका पास्ट उसके सामने आ खड़ा होता है जब उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसको मिलता है, जिसमें वो उसे एक ऑफर देती है जिसके चलते या तो वो अपने भाई को बचाने के लिए पुलिस का साथ देते हुए लोकल गैंग्स के साथ मिलके पुलिस का इन्फॉर्मर बन जाए, या फिर उसके गैंगस्टर भाई को लंबी सजा के साथ जेल में डाल दिया जाएगा। अब कैसे इसकी कहानी आगे बढ़ेगी वो क्राइम एंड एक्शन के साथ दिखाया जाएगा इस मूवी में। नंबर 11 पे है नेटफ्लिक्स की हिंदी डब रियलिटी शो सीरीज द अल्टीमेटम मैरी और मूव ऑन, जो 6 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज की जा रही है, जिसमें भी कुछ कपल्स को पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। और जैसे हम असल जिंदगी में प्यार में कभी डिसाइड नहीं कर पाते कि अभी शादी करें या थोड़ा सा रुक जाएं या फिर कमिटमेंट करने से डरते हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए और लगता है कि लड़कियों की डिमांड पे ही इस शो को बनाया गया है, जिसमें कुछ कपल्स को कुछ दिनों का टाइम मिलेगा एक दूसरे के साथ रहने का, और अल्टीमेटम मिलेगा कि इसके बाद या तो शादी करो या फिर परमानेंटली एक दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। नंबर 10 पे है एक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज सेंजो ए मर्डर ऑफ सॉकर स्टार, जो 7 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली एक बढ़िया डॉक्यूमेंट्री सीरीज होने वाली है। और अगर आपको सॉकर पसंद है तो 100% रेकमेंडेड होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इसकी कहानी एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन की होने वाली है जब एक सॉकर प्लेयर स्टार का दिन दिहाड़े खून कर दिया जाता है, और उसके खून के 7 साल बाद भी खूनी का कुछ पता नहीं लग सका। ये तो पक्का था कि किसी ने मारा है, लेकिन किसने और क्यों एक खिलाड़ी को मारा जो बस अपनी मेहनत से एक बड़ा स्टार सॉकर प्लेयर बना था, उसके मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन को दिखाया जाएगा इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में। नंबर 9 पे है साउथ की एक्शन मसाला मूवी ईटी, जो कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी 7 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज की जा रही है, जिसमें मेन एक्टर साउथ का सुपरस्टार मिस्टर सूर्या होने वाला है, जिसने लास्ट टाइम अमेजोन पे रिलीज हुई जय भीम में वकील बनके पछड़ी जाति वाले गरीबों की हेल्प करते हुए उनको इंसाफ दिलाया था। नंबर 8 पे है एक मस्ट वॉच हिंदी डब डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिटर्न टू स्पेस, जो 7 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली है, और दुनिया और स्पेस को और भी अच्छे से जानने के लिए हर एक छोटे बच्चे से लेके एडल्ट तक को इस सीरीज को देखते हुए सीखना चाहिए कि स्पेस में क्या होता है, और इसको देखने के बाद ही पता चलेगा कि हम लोगों का वजूद एज ए ह्यूमन कितना छोटा है इस दुनिया में। और उसके साथ ही ये भी जानने को मिलेगा कि ये स्पेस रॉकेट को कैसे बनाया जाता है, और कैसे हर एक रॉकेट उड़ने के साथ उसमें बैठे लोग अपनी जान दांव पे लगाते हुए हमारे बढ़िया फ्यूचर के लिए कैसे स्पेस में जाते हैं, और स्पेशली एलन मस्क जिसकी वजह से स्पेस इंडस्ट्री को नई नई टेक्नोलॉजी मिली।
नंबर 7 पे है TVF की कॉमेडी ड्रामा कहानी वाली नहीं रोज के किस्सों वाली सुपरहिट वेब सीरीज गुल्लक का सीजन 3 जो अभी 7 अप्रैल को सोनीलिप पे रिलीज होने वाली है और अभी तक बच्चों से लेके हर उम्र की ऑडियंस को पसंद आई है ये सीरीज जिसे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। नंबर 6 पे है अभिषेक बच्चन यामी गौतम एंड निमरत कौर की हिंदी कॉमेडी ड्रामा मूवी 10वीं जो डायरेक्ट OTT पे 7 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने जा रही है कि इस मूवी की कहानी एक नेता की असली जिंदगी से इंस्पायर्ड है लेकिन 100% सच्ची बिल्कुल नहीं है जिसके बारे में मैं अभी कन्फर्म भी नहीं कह सकता लेकिन जो कन्फर्म लग रहा है इसका ट्रेलर देखने से वो ये है कि ये मूवी और इसकी कहानी काफ़ी एंटरटेनिंग होने वाली है। नंबर 5 पे है नेटफ्लिक्स की 18+ ट्रू पीरियड अडल्ट ड्रामा वेब सीरीज डर्टी लाइन्स जो इस फ्राइडे मतलब के 8 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है जिसमें कहानी शुरू होगी दो भाइयों से जिन्होंने 1980 के दशक में एक बिजनेस शुरू करने की सोची थी जिसमें एक फोन लाइन शुरू की जाती है और जो कोई भी ठरक से भरा पड़ा है इस डर्टी लाइन पे कॉल करते हुए हल्का हो सकता है लेकिन इसकी कहानी इतनी सिंपल तो नहीं होने वाली काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ कहानी आगे बढ़ेगी जो हमारे ठरकीपन के साथ एंटरटेनमेंट की डोज को भी पूरा करते हुए आगे बढ़ेगी। नंबर 4 पे है पंजाबी फैमिली ड्रामा मूवी रब द रेडियो का पार्ट 3 जो अभी 8 अप्रैल को ओनली थिएटर्स में रिलीज होने वाली है जिसमें कहानी इंडियन फैमिली वैल्यूज की होने वाली है और एक प्यार की कहानी भी इसके साथ ही आगे बढ़ेगी जिसके पहले दो पार्ट्स को वर्ल्ड वाइड बहुत पसंद किया गया है और ये पार्ट 3 2021 में रिलीज होना था लेकिन कोविड के चलते हुए डिले होते होते अभी 8 अप्रैल को तरसेम जैसर की एक और मूवी गल बकड़ी के साथ ही रिलीज हो रही है। नंबर 3 पे है साउथ की स्पोर्ट्स इंस्पिरेशनल ड्रामा मूवी घानी जो पहले जनवरी में रिलीज होनी थी लेकिन डिले होने के बाद अभी 8 अप्रैल को थिएटर्स में ओनली तेलुगु में ही रिलीज होने वाली है लेकिन इसके हिंदी डब होने की भी उड़ती उड़ती खबर आ रही है जो अभी कंफर्म तो नहीं है लेकिन मई तक किसी OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल सकती है। नंबर 2 पे है हॉलीवुड की एक बड़ी फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी जिसका नाम है फैंटास्टिक बीस्ट का पार्ट 3 द सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर अभी 8 अप्रैल को थिएटर्स में हिंदी इंग्लिश और बाकी इंडियन लैंग्वेजेस में भी एक साथ ही रिलीज होने वाली है जिसमें ग्रैंड एक्शन देखने को मिलने वाला है जो इस मूवी के पार्ट 2 से भी दुगना होने वाला है। नंबर 1 पे है इंग्लिश साईफाई एडवेंचर थ्रिलर मूवी सोनिक का पार्ट 2 जो वैसे तो US थिएटर्स में काफ़ी टाइम पहले रिलीज कर दी गई थी लेकिन इंडिया में अभी 8 अप्रैल को ओनली इंग्लिश में एंड ओनली थिएटर्स में ही रिलीज की जा रही है लेकिन जल्द ही हमें ये बढ़िया मूवी इसी मंथ में VOD पे देखने को भी मिल जाएगी और अभी तक इसकी हिंदी डब की कोई भी अपडेट नहीं आई है लेकिन आगे आने वाले दिनों में अगर कुछ भी पता चलता है इसकी हिंदी डबिंग को लेके तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा जिसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम lockdown.entertainment33 पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसमें मैं आपको बस एक मैसेज की दूरी पे ही मिल जाऊंगा। ये थी आज की वीडियो और इस फ्राइडे वाली लिस्ट का पार्ट 1। जल्द ही मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में कल वाली वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऐसे ही एंटरटेनमेंट की डोज लेते रहने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाते हुए ऑल पे क्लिक करना ना भूलें और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।